हेलो दोस्तों, तो आज से कुछ समय पहले हमने महाराणा प्रताप के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था। और आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज उस वीडियो को देखिए। महाराणा प्रताप जैसे सूरवीर तो आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके वंशज आज भी हमारे बीच है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराणा प्रताप के वंशजों के बारे में। लेकिन उससे पहले आपने अब तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। महाराणा प्रताप एक ऐसे वीर योद्धा जिनके लिए सर कटाना सर झुकाने से काफी ज्यादा बेहतर था, क्या अब उनके वंशज भी इसी तरह से रहते हैं? महाराणा प्रताप लोगों की सेवा किया करते थे, तो क्या उनके वंशज भी आज सेवा करते हैं? या फिर महाराणा प्रताप एक राजा की तरह महल में रहते थे, तो क्या उनके वंशज भी आज महलों में रहते हैं? ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आज के इसी वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों, स्वागत है आपका द वे ऑफ टेक की एक और मजेदार वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप के वंशज। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब पूरे भारत में अकबर का शासन था। लेकिन अकबर भारत के सभी राजाओं को अपने साथ मिलाकर पूरे भारत को मुगल साम्राज्य बनाना चाहता था। लेकिन हमारे महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर के साथ हाथ नहीं मिलाया और ना ही उसके सामने कभी झुके। अकबर के लाखों प्रयासों के बाद भी महाराणा प्रताप उनके सामने कभी नहीं झुके। महाराणा प्रताप एक ऐसे वीर योद्धा थे जो अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान तक दे सकते थे। ऐसे ही पराक्रम और ऐसे ही बलिदानों के लिए आज पूरी दुनिया महाराणा प्रताप को बहुत अच्छी तरह से जानती है। महाराणा प्रताप तब जिस महलों में रहा करते थे, आज उनके वंशज वही महलों में रहते हैं। जिस तरह से उनके पूर्वज रहा करते थे, वो भी ऐसे ही शाही अंदाज में रहते हैं। फिलहाल मेवाड़ में अरविंद सिंह जी 76वें संरक्षक हैं और ये महाराणा प्रताप के बाद के 21वें राणा हैं। इससे पहले भागवत सिंह जी 1955 से 1984 तक इस राजघराने के मुखिया थे। अरविंद सिंह जी ने ब्रिटेन से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की है और वर्तमान समय में वो मेवाड़ एचआरएस ग्रुप ऑफ होटल के मालिक भी हैं। और इनकी शादी कच्छ की राजकुमारी के साथ हुई थी और इनके बेटे का नाम युवराज लक्ष्यराज सिंह है। अरविंद सिंह जी राजाओं की तरह कपड़े पहनते और अपने शाही अंदाज के लिए पूरे भारत में जाने जाते हैं। अरविंद सिंह जी जाने माने नेता और अभिनेता के साथ देखे जाते हैं। ऐसी बहुत सारी लग्जूरियस गाड़ियां मेवाड़ के राजाओं की निशानी है। इनके अलावा इनके एक बड़े भाई है जिनका नाम है महेंद्र सिंह जी मेवाड़, जो की राजघराने का मुखिया होने का दावा करते हैं। लेकिन दोस्तों, सच तो ये है 1984 में महाराणा भगवत सिंह ने अपनी सारी जायदाद ट्रस्ट के जरिए उनके छोटे बेटे अरविंद सिंह जी को दे दी थी और महेंद्र सिंह ने कई बार उस जायदाद की मांग की, लेकिन उसके हाथ अब तक कुछ नहीं लगा। वैसे मैं आपको बता दूं, महेंद्र सिंह जी बीजेपी सांसद रह चुके हैं और दोनों भाइयों के रहन सहन में काफी अंतर है। और महाराणा प्रताप के वंशजों की फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, ये थे महाराणा प्रताप के वंशज। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इनके अलावा भी हमने महाराणा प्रताप के ऊपर दो वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज उस वीडियो को भी देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और ऐसे मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।